सब लोग का, और जो अकेले गाते हैं उसको भजन करते Thank you.
आता है वो बजाएंगे तो लोग सुने कि दूसरे के बजाएंगे तो लोग सुने? उसको बता Thank you.
अब माइक इनके पास गई तो जब हम चढ़ाते हैं ना जी
माला चढ़ा के जिनको आया ये
बन को आया ये भोला पतंग है, उनके घर में आनंद ही आनंद है, उनके घर शिव की माला को जपते रहो, ओम शिव शिव की माला को जपते रहो, भोले भाग्य का भोले भाग्य का ताला तो बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, उनके घर में आनंद करे, उनके घर में रहे भंडारे भरे, उनके घर में रहे भंडारे भरे, जिनके मन में ये मंदिर बुलंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद निराकार रूप में
आत्मा तो अजर अमर होती है, और फिर दिव्य आत्मा और परमात्मा, इनकी बात ही क्या कहनी है। वो अंग संग हमारे संग है। जब याद हृदय से करें तो सभी उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज। तो आइए, एक सत्संग है उन्हीं के श्रद्धांजलि के स्वरूप में। बल्ले बल्ले भई सत्संग दो घड़िया, बल्ले बल्ले भई सत्संग विच आके। बल्ले बोलेंगे तभी बात बनेगी, तभी सत्संगी हो, और सत्संग में आने से उसका लाभ भी तो उठाना है ना कि नहीं उठाना। तो मेरे साथ बोलिए और ताली बजा सकते हैं आगे। जब उत्सव है तो उत्सव ही है। बल्ले बल्ले भई सत्संग विच आके, बल्ले 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 भई सत्संग विच आके। अति अकृत चंदन बन जान सत्संग विच आके, असि अकृत चंदन बन जान सत्संग विच आके। ओ बल्ले बल्ले भई सत्संग दो घड़िया, सत्संग दो घड़िया, कोई करण नसीमा वाले सत्संग दो घड़िया, कोई करण वाले सत्संग दो घड़िया। बल्ले बल्ले भई सत्संग विच आके, बल्ले भई कूड़ा अंदर नहीं हो रखना, सत्संग वाली फेर बुहारी कूड़ा अंदर नहीं हो रखना, सत्संग वाली
पल्ले पल्ले भाई कर्कण दाहुण मेला, पल्ले पल्ले भाई कर्कण दाहुण, पल्ले पल्ले भाई कर्कण दाहुण मेला। बल्ले चरखे ते तंद नहीं पैनी कतने दा हुण वेला, फिर चरखे ते तंद नहीं पैनी कतने दा हुण वेला, बल्ले बल्ले भई सत संग विच आके, बल्ले बल्ले भाई प्यालू ठंडा ठार कीता, दादन दादी नसीबा वाली प्यालू ठंडा ठार कीता, दादन दादी नसीबा वाली प्यालू ठंडा ठार कीता, बल्ले बल्ले सत संग विच आके। बल्ले बल्ले बे चोला होया साफ सुथरा, बल्ले बल्ले बे चोला होया साफ सुथरा, बल्ले बल्ले भाई सत संग विच आके, बल्ले बल्ले भाई सत संग विच आके, बल्ले बल्ले भाई सत संग विच आके। अग तो चंदन बन जाना सत संग विच आके, बल्ले बल्ले भाई सत संग विच आके, वैशेला होता है तो आग जो होता है उसकी, उन्होंने कहा कि हम जो है हमारा इस समय जो हमारा शरीर है, जो हमारा जो भी किसी प्रकार का वातावरण है वो हमारा आग के समान है, लेकिन सत्संग में आकर वो चंदन बन जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। दयालु ठंडा ठार कीता, दयालु कहने ने साढ़े सतगुरु दे उन्हें चरणी आओ तो ठंडा ठार हो जाता, कोई प्रश्न नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बस आनंद ही आनंद हो जाता है। आइए एक और भावक है। संत रविदास जिनको रविदास जी कहते हैं, उन्होंने गुरु के लिए बहुत सुंदर कहा है,
कहते हैं, क्या कह रहे हैं, गुरु को इतना बड़ा स्थान दिया है उन्होंने, रविदास जी महाराज जी ने, कहते राम भजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम मैं तो हरि ना निहारूं। कि अगर गुरु खड़ा हो और एक तरफ हरि खड़े हो तो मैं उधर देखूंगा भी नहीं, मैं पहले गुरु जी को देखूंगा। क्या बात की, उसकी तुलना करी है बड़ी सुंदर, आप ध्यान से सुनेंगे। राम भजो पर गुरु ना बितारू, गुरु के सम में तो हरि ना निहारू। राम भजूं पर गुरु ना बिसारूं, राम भजूं पर गुरु के सम में तो हरि ना निहारूं। Param 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 param
आयो गुरु जी ने दीपक आप दिखायो, गुरु जी ने दीपक आप दिखायो, राम भजो पर गुरु नाम सारो। होता है वो भी आपने आगे चेले रखे होते हैं, ये मेरा गुरु है जी।
लेकिन यहाँ गुरु की बात नहीं हो रही, वो वाले गुरु की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है सदगुरु की। गुरु तो अपना जिससे हमने पढ़ाई शिक्षा ली है विद्यालय में, वो भी गुरु जी है हमारे, लेकिन वो संसारिक गुरुओं से हमें परे हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु का अर्थ ही ये है, वो हमेशा सद है, जो सत्य है। तो यही भाव है हरिदास जी का कहने का। तेरी सेवा कियो सावरे, मुझको इतनी कीमत मिले। भाव सांवरे के साथ है, लेकिन हम इनको गुरु जी के साथ भी सोच सकते हैं। बड़ा सुंदर भाव है ये। तेरी सेवा कियो सांवरे, मुझको इतनी इतनी सी बात, इतनी सी बात, थोड़ी सी लेश बात कीमत मिले। तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे चरणों की दौलत मिले, तेरी देवा की ओतावरे, तेरी देवा की ओतावरे, मुझको इतनी सी कीमत मिले, तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे चरणों की दौलत मिले, तेरी सेवा की ओतावरे, मुझको इतनी सी कीमत मिले। मेरी गलती के कारण प्रभु,
मेरी गलती के कारण प्रभु आप जो लूट जाओ कभी, आप जो लूट जाओ कभी, मेरी गलती के कारण प्रभु आप जो लूट जाओ कभी, आप जो लूट जाओ कभी, आप तो मैं मना पाऊंगा, आप तो मैं मना पाऊंगा, मुझको इतनी सी मोहलत मिले, आप तो मैं मना पाऊंगा, मुझको इतनी सी दौलत मिले, नदी का तुझ पे अधिकार था, नदी का तुझ पे अधिकार था, गुलामा का भी यार था, नदी का तुझ पे अधिकार था, तुझो रामा का भी यार था, तुझो रामा का भी यार था, तेरे इस दास को भी प्रभु, तेरे इस दास को भी प्रभु, उसमें जो है लाजवाब बात कही है, बात है ये तेरी और मेरी, बात है ये तेरी और मेरी, जब सुने ना सुने कम नहीं, अरे बैठे बैठे यही अरदास करते हैं मुझे मालूम है, बात है ये तेरी और जग सुने ना सुने कम नहीं, जग सुने ना सुने कम नहीं, सोनू के भजनों को सांवरे, सुरेश के भजनों को सांवरे, तेरे चरणों की दौलत मिले, सुरेश के भजनों को सांवरे, तेरे चरणों की दौलत मिले, तेरी दरवा की ओ सांवरे, मुझको इतनी भी कीमत मिले, तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे दर्शन का मोती मिले, तेरे चरणों की दौलत मिले, तेरे चरणों की दौलत मिले, तेरे चरणों की दौलत मिले, बोलिए सत गुरुदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सहारी जा गुरु जी दा नाम
काम लगे जिंदगी गुजारी जा। बड़ा औखा है ये पृथ्वी, बड़ा औखा है। जो गुरु का भक्त होता है ना उसमें बाधाएं बड़ी आती हैं, और वंचक बीज में आकर कुछ ऐसी बाधाएं पैदा करते हैं, ताने मारते हैं, परिवार में मिलते हैं, सारा दिन टोरी रंदा सतसंग जल देखो जिंदगी पाता है टोर पड़ता है, कारण नहीं करना कुछ बार है तो कोई फिक्र ही कोई नहीं है, ताने पड़ते हैं, लेकिन हमें जो है संतुलन रखकर इस काम को करना है। ये नहीं कह रहा छोड़ देना जी, संतुलन बनाए रखना है। वो यही कह रहे हैं इस भजन के अंदर, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरु जी दा नाम लेके जिंदगी गुजारी जा, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरा जी दाल के नाम जिंदगी गुजारी जा, गुरा जी दाल के नाम जिंदगी गुजारी जा, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरा जी दाल के नाम जिंदगी गुजारी। चार दिना दा आखिर खाली होना है, भरिया मेला चार दिना दा आखिर खाली होना है, सुख में फिर क्यों हंसता मूर्ख, दुख में फिर क्यों रोता है, सुख में फिर क्यों हंसता मूर्ख, दुख में फिर क्यों रोना है, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरु जी दल के नाम जिंदगी गुजारी जा, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरु जी दल के नाम जिंदगी गुजारी। तेरा हर कोई साथी, दुख में तेरा कोई ना, सुख में तेरा हर कोई साथी, दुख में तेरा कोई ना, इसलिए फिर मूर्ख बंदे सतगुरु भूली ना, इसलिए फिर मूर्ख बंदे सतगुरु भूली ना, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरु जी दल के नाम जिंदगी गुजारी जा, गुरु जी दल के नाम जिंदगी गुजारी जा। जब तक तन में प्राण है बंदे काम से फुर्सत पाए, जब तक तन में प्राण है बंदे काम से फुर्सत पाए ना, जब तक तन में प्राण है बंदे काम से फुर्सत पाए ना, पाप कर्म तू करता जाए हरि को बिल्कुल ध्याए ना, पाप कर्म तू करता जाए हरि को बिल्कुल ध्याए ना, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, हंस के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरु जी दल के नाम जिंदगी गुजारी जा, गुरु जी दल के नाम जिंदगी गुजारी जा। बीत गया तो पछताएगा, वेला
आना बीत गया तो पछताएगा, वेला मुड़ना आना है। भूखे वेले कम आएगा, नाम प्रभु का ध्याना है। भूखे वेले कम आएगा, नाम प्रभु का ध्याना है। अध के गुजारी जा, ताने सहारी जा, गुरज जल के नाम जिंदगी गुजारी जा, गुरज जल के नाम जिंदगी गुजारी जा, अध के गुजारी जा, ताने सहारी जा, अध के गुजारी जा, ताने सहारी जा, अध के गुजारी जा, ताने सहारी जा। ये स्थिति जो है सबके साथ है, मेरे साथ भी है। कोई ऐसा नहीं होगा जो मध्यम श्रेणी का आदमी है, जो मिडिल क्लास का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी नौकर चक्कर होते हैं ना, वहां तो काम दूसरे संभाल ले, लेकिन ताने जरूर पहले किधर चले हैं, वो काम नहीं करना थी। ताने तो बढ़ने ही बढ़ने, ये स्वाभाविक है। मैं तो इसको समझता हूँ, संसार है ना, संसार का अर्थ ही है सरक सरक के चलना, यही होता है। तो हम सब उसी के अंदर अंतर्गत है, बस प्रभु की कृपा चाहिए। प्रभु की कृपा भयो सब कायु, जन्म हमार सुफल भा आयु, जन्म हमार सुफल भा आयु। कृपा मांग रहे उनसे, जब लग कृपा न तुम्हारी होगी, जब लग कृपा न तुम्हारी होवे, भटक भटक नर जीवन खोवे, भटक भटक वर जीवन खोवे। निर्मल चित्त करो प्रभु मेरा, निर्मल चित्त करो प्रभु मेरा, निश दिन भजन करो मैं तेरा। निश दिन, निश कैसे कहते हैं, निश मतलब निशा, रात को कहते हैं, और दिन दिन है, दिन रात जो है आपका भजन करो। तो ऐसा है, निर्मल चित्त करो प्रभु मेरा, निश दिन भजन करो मैं तेरा, अही कामना मेरी स्वामी पूर्ण करो प्रभु अंतर्यामी, पूर्ण करो प्रभु अंतर्यामी। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, अनंत गंध भगवान की। अब प्राशन जी आप अगले चरण को संभालेंगे, सभी भक्त लोगों की ओर से, और जो हमारे ऋषिकेश कैलाश आश्रम के जो पीठाधीश्वर हैं, अभी एकादश पीठाधीश्वर, द्वादश पीठाधीश्वर, उनके चरणों भी सादर प्रणाम निवेदित है सबकी ओर से। आज हम निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो दशम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन हमारे सदगुरुदेव, गुरु जी मिल जाते हैं, सदगुरु नहीं मिलते हैं, अभी मलिक साहब बता रहे थे। तो गुरु जी गली गली मिलते हैं ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हाँ कईयों ने हजार गुरु बनाए, किसी ने 24 बनाए, अद्भुत दत्तात्रेय ने भी बहुत सारे गुरु बनाए, जिससे कुछ मंत्र मिल जाए। और मंत्र कहते हैं मननात त्रायते इति मंत्र,
जिसके मनन मात्र से त्राण मिले वही मंत्र, ये मंत्र माँ भी देती है पहले, फिर धीरे धीरे पिता भी देते हैं कुछ मंत्र, फिर प्राइमरी स्कूल के हमारे शिक्षक होते हैं वो भी देते हैं, फिर जितना हम अध्ययन करते हैं पग पग पर हमें गुरु मिलते जाते हैं, हम उनके उपदेशों को मंत्र समझ के धारण करते हैं। लेकिन जो वास्तविक जिस उद्धार की और तरण की बात होती है छंदोग उपनिषद में, नारद जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि प्रभु हमने आप जैसे लोगों से, मेरे जैसे लोगों से नहीं, मेरे जैसे लोगों से नहीं, नारद जी जो देव ऋषि है वो कहते हैं कि मैंने, हाँ जी इसको जरा बंद करिए, एकदम ऑफ कर दीजिए। आप जैसे लोगों से सुना है कि तरती सुखम आत्मवित, आप जैसे लोगों से सुना है कि तरती सुखम आत्मवित, कौन इस शोक सागर को, इस संसार को शोक सागर का, इस शोक सागर को कौन तरता है, कहते जो आत्मवित होता है, जो आत्म तत्व को जानता है। और आत्म तत्व बताता कौन है, मदालसा जैसी माँ होगी तो मदालसा जैसी माँ भी आत्म तत्व का निर्देश करेगी, जो शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी कह दे कान में और पुत्र पैदा होते हुए वो परिव्राजक बन के चल दे और जन्म जंगल में, तो ऐसे कई पुत्र चले गए तो उनके पतिदेव कहते हैं कि राजकाज कैसे चलेगा, ये मंत्र बन गए हम लोग उसमें कुल्लू का बैल बने हुए जिसमें राजकाज चलता है। लेकिन आत्मवित बनने के लिए तो आत्मदर्शी तत्वदर्शी ब्रह्मविद वरिष्ठ कोई होता है, वही जैसा ही कहते हैं सदगुरु वो होता है सद, उस सदगुरु के पास नारद जी पहुंचते हैं, कहते हैं हमने आप जैसे लोगों से सुना है तरती सुखम आत्मवित, और आपसे ही मुझे जानना है उसका उपदेश कीजिए, तो उपदेश क्या कीजिए जी, आप मुझे उपदेश कीजिए ताकि मैं शोक संसार से पार हो जाऊं। तो वो उपदेश करते हैं, पहले कहते हैं कि आपको क्या आता है ये तो बताइए, तब तो बताऊंगा कि आपको उपदेश क्या करना है। तो जो कुछ बताते गए कि मैंने चारों वेद पढ़ लिया है, सब पुराण पढ़ लिया है, गणित पढ़ लिया है, ज्योतिष पढ़ लिया है, साइंस पढ़ लिया है, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी सब पढ़ लिया है, कह गई तो सब जितना बता रहे सब नाम है, इससे काम नहीं, इससे आगे चलना पड़ेगा। तो अंतिम तत्व के दर्शन के लिए उपदेश करते हैं, बताते जाते हैं इससे आगे ही है, इससे आगे ही है, इससे आगे ही है। हमारे जो गुरुदेव थे जिनका हम आज निर्वाण दिवस मना रहे हैं, वो गुरुदेव ऐसे ही तत्वदर्शी थे, जिस तरह से नारद जी ढूंढते हैं सनत कुमार जी के पास पहुंचे, ऐसे ही तत्वदर्शी। आप कहेंगे आप कोई एग्जाम लेते हैं क्या गुरुओं का कि हाँ जी पास हो गए तो हमारे, नहीं हम नहीं, हम तो गुरु जी के पास जब जाते हैं हमारे सारे संशय धूल जाएं तो समझिए कि हमारे सदगुरु मिल गए, और संशय के ऊपर संशय चलता जाए बढ़ता जाए तो वो फरेबी गुरु हो गए ना जी, इधर उधर मिलते हैं तो वो वाले। आज जो हम दिवस मना रहे हैं निर्वाण दिवस मना रहे हैं, संतों का ही निर्वाण दिवस क्यों मनाते हैं और गृहस्थों का निर्वाण दिवस क्यों नहीं, क्योंकि गृहस्थ निर्वाण को प्राप्त नहीं। निर्वाण का अर्थ जानते क्या है, निह मतलब बिना, वाण मतलब ऐठन, जो बाण लगा के बनते हैं रस्सी, तीन बाण की रस्सी है चार बाण के वो निर्वाण है, और एक बाण है जो बाण छोड़ते हैं, तो बाण छोड़ते हैं वो एक मिसाइल है, वो ऐसे चलते हैं बाण सीधे ऐसे नहीं चलती, वो स्पाइरलिंग होकर चलती है। इस तरह से हमको भगवान ने परमात्मा ने हमें इस विश्व निर्माण में बाण बना के भेज दिया है। अच्छा बाण उसको भी कहते जिसके दुम कटा हुआ वो भी बाण कहलाता है। हम बाण की स्थिति में होते हैं, निर्वाण कब होगा जब हमारी ऐंठ खत्म हो जाएगी, और हमारे साथ क्या होता है रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ रह गई, यानी हम जलने पर भी ऐंठ नहीं छोड़ते, इसलिए हमारा निर्वाण
होता है, नहीं। और जिनके पहले ही निर्वाण हो गए हैं, ऐठ निकल गए हैं, उनका तो निर्वाण ही निर्वाण, ऐठ निकल गए। हमारी ऐठ नहीं निकलती है, इसलिए हमारा निर्वाण नहीं होता है। रस्सी जलने के बाद भी ऐठन पड़ी है, ये निर्वाण हो जाता है। निर्वाण क्या है? एक प्रोजेक्टाइल है, मिसाइल है, कि ऐसे छोड़ दिया हमें, हम ऐसे नाच रहे हैं उसी तरह से बाण बन के, जहां गिरेंगे वहां भी ऐसे घृण करते रहेंगे, ये बाण की स्थिति है। उसको निर्माण करने का क्या काम है? गुरु निर्माण दिलाता भी है, इसलिए ऐसे गुरु के निर्माण व्यवस्था बनाते हैं। निर्माण जो है, निर्माण अलग है, निर्वाण अलग है। आज दो तीन और भी हमारे पास आज के प्रसंग में संत लोग हैं, और हमारे इस आश्रम के ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आज हम उनके भी 2 मिनट उनके भी विचार सुनेंगे। और हमारे यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं स्वामी महेंद्र नंदन गिरी, इनके भी सुनेंगे, और अन्य भी जो एक दो संत हैं उनके भी विचार हम सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आहूत करते हैं स्वामी महेंद्रानंद गिरी जी, जो यहाँ व्यवस्थापक हैं। उषित करा नवनी रदा पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ठा पुरणेन्द्र सुंदर मुखा दरवेन्द नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्वमहं न जाने। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। असंख्य कल्याण गण गुण मिले परमानंद चिन्मूर्ति नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुट से नमन। आचार्य महामंडलेश्वर एकादश पीठाधीश्वर और द्वादश पीठाधीश्वर जिनका नाम विजयानंदपुरी जी है, अभी वर्तमान में विजयानंदपुरी जी महाराज यहाँ कार्यक्रम करके गए। हम सब श्री कैलाश विद्यातीर्थ आश्रम में निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए समूह उपस्थित हुए हैं। उनकी श्रद्धांजलि संत महापुरुष सब करेंगे। तो प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य प्रवीण 1008 श्री स्वामी जी महाराज, जिनका निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। नाम बड़ों का नहीं लिया जाता है, आप लोग सब परिचित हो। तो दो शब्द बोलने से पूर्व पहले कीर्तन करें, उसके उपरांत बोला जाएगा। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी Thank you.
परम धर्मावलंबी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा महिमा में मेरी बताएं दृष्टिगण समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब गुरु महाराज के चरणों में समुपस्थित होकर के श्रद्धा सुमनांजलि श्रद्धांजलि श्रवण करने के लिए महोत्सव में भाग लिए हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया सुरेंद्र जी से और सत्यदेव पराशर जी से गुरु की व्याख्या। वैसे स्कंद पुराण में तो सात प्रकार की गुरुओं की चर्चा है, समय 3 मिनट मिला है इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, अति संक्षिप्त में ले रहा हूं, केवल नाम गिना देता हूं, व्याख्या नहीं। आप यहां जितने समय उपस्थित हैं ये सब गुरु हैं। पहला गुरु इधर से माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा कुल गुरु, चौथा आचार्य गुरु, पांचवा पंडा तीर्थ गुरु, छठा कला गुरु जिससे कलाएं सीखते हैं कार्य इत्यादि जो भी, और सातवां सदगुरु है। सत्य यानी परमात्मा जो हमारे आवागमन से छुड़ा करके वहां पहुंचा देता है, ना जहां जन्म है ना जहां मृत्यु है। न तद भाषयते सूर्यो न शांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, भगवद गीता में। अरे जिस स्थान को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है, चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकता है, जिससे सूर्य और चंद्र अग्नि प्रकाशित हो, ये वो धाम है जहां पर जाने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये कहां है, ये आवागमन कहां तक है, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक मृत्युलोक। ब्रह्मा भी बदलते हैं, ब्रह्मा की एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, तो अभी परिवर्तनशील है। परमात्मा नित्य है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यो मदाहियो यो मक्लेद्यो शोषयेव च नित्य सर्वगता स्थान गुरु चलो यम सनातन। पूज्य महाराज श्री का 23 तारीख को जन्म दिवस भी मनाया गया, आज निर्वाण दिवस भी। संतों का जन्म और मृत्यु यानी निर्वाण दोनों मनाया जाता है, और गृहस्थों का मान गृहस्थ आश्रम में जो भगवत भक्त है उनका केवल जन्म ही ज्यादातर मनाते हैं, निर्वाण तो मनाते नहीं। तो मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणमनुग्रह, बड़े भाग मानुष तन पावा मानस में कहा गया है। तो मानव जीवन पाना दुर्लभ है, मनुष्य मनुष्यत्व विविध चुनामणि में कहा गया व्याख्या कर समय नहीं। तो मानव शरीर पा करके हमको करना क्या है ये सदगुरु बताते हैं। जीने के लिए पशु भी जीता है, पक्षी भी जीता है, 84 लाख योनियों में जो भी योनि है वो सब के सब जीते हैं, सब के सब सोते हैं, सब के सब खाते हैं, पर महाराज मानव शरीर किस लिए है, पूछा गया है किस लिए जीते हो, तो महाराज खाने के लिए, काय को खाते हो, अभी जीने के लिए। ये चक्र चलता रहता है, और भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अगर जियो तो उस परम तत्व के लिए जियो और अपने आप को जानो, उद्धरे दात्मना आत्मा भगवद गीता के 6 अध्याय में कहा गया है। अपने आप हम अपना शत्रु हैं और अपने आप अपना मित्र हैं। महाराज जी का जीवन अपने लिए नहीं रहा, हम सभी भगवत भक्तों के लिए रहा। आज उन्होंने ये वृक्ष लगाया है तो इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आज सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सत्संग लाभ ले रहे हैं। महाराज श्री ने एक नहीं
कम से कम 15-20 आश्रमों का निर्माण किया और यहाँ तक 100 पुस्तक का निर्माण किया है। और उन्होंने क्या भी किया संतों के लिए, आपका देखो वैसे कैलाश आश्रम तो बहुत पहले से, इससे पहले भी 9 बैठ चुके थे, पर इन्होंने अपने जीवन काल में किया, उन्होंने बोला था प्रवचन में और वैसा किया भी है कि 100 महात्मा को रहने के लिए पढ़ने के लिए हमसे मत पूछना किनको कहाँ रखे, और भगवत भक्तों के लिए रहने के लिए 4 बस भी अगर पहुंच जाए तो उनको रहने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, उनका निवास स्थान है। तो किन्होंने किया, उन्होंने किया, क्यों किया, देखो भाई संत का जीवन परोपकार होता है, वो ये चाहते हैं कि आए और यहाँ पर स्वाध्याय करें, वेदांत श्रवण करें और महाराज अपने जीवन लाभ प्राप्त करें, और ये जीवन और मृत्यु का क्या चक्र है ये सदगुरु बताते हैं। और इस सरदास मनांजलि से समय ज्यादा हो गया, इतना कहते हुए वाणी विराम, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। भगवान की परम गुरु महाराज की जय, जय श्री राधे यहाँ के व्यवस्थापक स्वामी महेंद्र नंदगिरी जी से आपने इनके विचार सुने। आज हमारे जो महासचिव हैं हमारे ट्रस्ट के, उनको भी हम सुनेंगे और उनको अपने विचार रखेंगे। इसके पहले मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र चन्ना जी से कि वो जो एक नहीं वो पहले सुना दीजिए ना। ओम शांति शांति शांति। अद्भुत है भगवद्गीता अष्टादश अध्याय एक पंचाशत श्लोक पर कथम कार्यकरणसंघातनियम्य शब्द चित्त प्रसाद हेतु यतवा काय मानसो
वाच कायश्च मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स्वज्ञाननिष्ठो यति यतवान् काय मानसं स्यात् एवं उपरत सर्वकरणा सन् ध्यानम् आत्मस्वरूप चिन्तनम् योग आत्मविषय एव एकाग्रीकरणम् तौ ध्यान योगो परत्वेन कर्तव्यो यस्य स ध्यान योग पर नित्यम् नित्यकरणम् मंत्र जपाद्य अन्य कर्तव्य भाव प्रदर्शनार्थम् वैराग्यम् विराग भावो दृष्टा दृष्टि सुविषय सुवेत्र श्रम समुपासतः सम्यक् उपासितो नित्यमेव इत्यर्थः किञ्च अहंकारमलंदर्पम् कामं कोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो मनो भूयाय कल्पते अहंकारम् अहंकारम् अहंकरणम् अहंकारो देहेन्द्रियादिषु तम् बलम् सामर्थ्यम् कामरागादियुक्तम् नेत्रशरीरादि सामर्थ्यम् स्वाभाविकत्वेन तत्त्यागस्य असत्यत्वात् दर्पोणाम् हर्षानन्तर्भावी धर्मातिक्रमे हेतु दृष्टो शक्यते दृष्टो धर्ममतिकामति इति स्मरात् विमोच्य परित्यज्य परमहंस परिव्राजको भूत्वा देह जीवन मात्रेऽपि निर्गतमम भावो निर्ममो अतैव शान्त उपरता संग्रता अयासो यदि ज्ञान निष्ठो ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थो भवति अनेन क्रमेण ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांचति समस्तेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम् ब्रह्म भूतो ब्रह्म प्राप्त प्रसन्नात्मा लब्ध्वा ध्यात्म प्रसादो न शोचति किंचित अर्थ वैकल्यम आत्मनो वैगुण्यम जो उद्दिश्य न शोचति न संतप्यते न कांचति ब्रह्म भूतस्य अयम स्वभावो अनुद्यते न शोचति न कांचति इति नये अप्राप्ति विषया कांचा ब्रह्मविद उपपद्यते न हृष्यतीति वा पाठ समस्तेषु भूतेषु आत्मोपमेन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुःखम वा सममेव पश्यतीत्यर्थो नात्म संदर्शनमिह तस्य वक्ष्मानत्वात् भक्त्या माम् विजानातीति एवं भूतो ज्ञाननिष्ठो मद्भक्तिम् मयि परमेश्वरे भक्तिम् भजनम् पराम् उत्तमाम् ज्ञानलक्षणाम् चतुर्थीम् लभते चतुर्विधा भजन्ति माम् इत्युक्तम् ततो ज्ञानलक्षणया भक्त्या माम् विजानाति यावान्यश्चात्म तत्त्वता ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम् भक्त्या माम् विजानाति यावान् अहम् उपाधिकृतभेदो यश्चाहम् विध्वस्त सर्वो उपाधिभेदः उत्तम पुरुषः आकाशकल्पः तम् माम् अद्वैतचेतन्मात्रैकरसम् अजम् अजरम् अमरम् अमरम् अनुधरम् तत्ततो अभिजानाति ततो माम् एवम् तत्ततो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम् माम् एव नात्मज्ञानानन्तत्प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशति तदनन्तरमिति किमुतरि फलान्तराभावात् ज्ञानमात्रमेव क्षेत्रम् च नापि इति उक्तत्वात् ननु विरुद्धमिदमुक्तम् ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया माम् अभिजानाति इति कथम् विरुद्धमिति चेदुच्यते यदैव यस्मिन् विषये ज्ञानम् उत्पद्यति ज्ञातुः तदैव तम् विषयम् अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठाम् ज्ञानवृत्तिलक्षणाम् अपेक्षते इति ततश्च ज्ञानेन नाभिजानाति इति ज्ञानवृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठया अभिजानाति इति नैष दोषो ज्ञानस्य स्वात्म उत्पत्तिपरिपाकहेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यदा आत्मानुभव निश्चयावसानत्वम् तस्य निष्ठा शब्दाभिलापात् शास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतुम् सहकारिकारणम् बुद्धि
कर्मणा
नारजेन सौर्यादिनाय तोक्तेन कौन्तेय निबद्धो निश्चयेन बद्धस्वेन आत्मीयेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छति यत्कर्म मोहाद् अविवेकतः करिष्यति अवशोऽपि परवशे एव तत्कर्म यस्मात् ईश्वरसुरभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सुरभूतानि मन्त्रभूतानि माया ईश्वर ईशनशीलो नारायण सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृदयेषु हृदयदेशे अर्जुन शुक्लान्तरात्मस्तु भावो विशुद्धान्तःकरण इति आष्ट कृष्णम आरग्मणम च इति दर्शना तिष्ठति स्थितिम लभते स कथम तिष्ठति इत्याह ब्राह्मण भ्रमणम कार्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढानि यंत्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्दो अत्र द्रष्टव्य यथा दारुकृत पुरुषादीन यंत्रारूढानि माया छद्मना भ्रामयन तिष्ठति इति संबंध तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव ईश्वरं शरणम् आश्रयं संसारात्यहरणार्थं गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना हे भारत ततः तत्प्रसादात् ईश्वरानुग्रहात् परां प्रकृष्टां शान्तिं परां उपलब्धिं स्थानं च मम विष्णु परमं पदम अवाप्स्यसि शाश्वतं नित्यम् इति ते ज्ञानमाख्यातं कुशयात् कुशयतरं मया विमिश्य तदशीर्षेण यथेच्छति तथा इत्येतत् ते तुभ्यं ज्ञानम् आख्यातं कथितं कुशयात् गोप्यात् कुशयतरम् अतिशयेन गुह्यं रहस्यमित्यर्थम् मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण विमिश्य विमर्शनम आलोचनम कृत्वा एतत् यथोक्तं शास्त्रम् अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यथेच्छति तथा कुरु महाराज श्री के मुखारविंद से उनके प्रवचन सुन रहे थे अष्टादशा जो महाराज श्री की एक सत्संग की परंपरा थी जो 18 दिन करते थे तो अष्टादशा नाम से महाराज श्री की रचित पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता की उसका हम सार सुन रहे थे संस्कृत में। इसके कुछ अंशों का मैं निवेदन करूंगा। डॉक्टर वी एल गौड़ साहब संस्कृत के विद्वान हैं हमारे साथ जो इसकी व्याख्या नहीं करेंगे इसके अनुवाद कुछ सुनाएंगे। महाराज श्री ने इसमें संक्षेप में बहुत सारे सभी अध्यायों का प्राय उसके निहितार्थ क्या है उसका थीम क्या है उसका विषय क्या है सब समझाया। अभी जो जिसमें ज्यादा ज्ञान योग संयम योग की बात कही और अंत में जो इसका जो क्लाइमेक्स है कल्मिनेशन है कि ज्ञान में और ज्ञान निष्ठा में तो ज्ञान निष्ठा के संबंध में महाराज श्री ने बताया और सब बताने के बाद करेंगे मैंने बता दिया सब कुछ अब तुम्हारी जो इच्छा है कर। पहले तो वो भाग रहा था अर्जुन तो उसको ले आए खींच के कि नहीं भागने नहीं दूंगा। अब जब सब बता दिया तब करेंगे तुम्हारी जो भी इच्छा है करो भागना है तो भाग जाओ लड़ना है तो पहले भाग रहा था तो खींच। इसलिए गुरु का ये दायित्व तो है कि जो संसार से भागे उसको पहले खींच के ला और संसार की पूरी विद्या बता दो और सारे विकल्पों को बता दो सब ज्ञान से उसको सुसज्जित कर दो शिष्य को और तब कहो कि नाउ यू आर फ्री व्हाट एवर यू लाइक यू डू एज पर योर आप जो मर्जी करो। तो गुरु का तो ये दायित्व है और वो सदगुरु और परम गुरु और योगेश्वर गुरु तो वो क्यों ना कहें कि तुम्हें ये करना है अब तुम्हारी जो इच्छा है तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे पता हो गया है कि मुझे क्या करना है मैं समझ गया अभी तक तो मैं भ्रम में था अब मैं जाग गया हूँ मेरा भ्रम तो अभी आप जो भी दो दो तीन तीन मिनट अपने विचार रखना चाहेंगे जब आप रख सकते हैं।
संसार में सबसे उत्तम रास्ता है आचार्यों से, गुरुओं से, मनीषियों से अपने कर्म का सुधार कर लेना, आचरण का सुधार कर लेना, आचरण को जीवन में सही बना लेना, यही संसार से विरक्त होने का अच्छा साधन है। संत कहते हैं कि जिसको वेद नहीं आता, जिसको वेद नहीं आता, शास्त्र नहीं आता, पुराण नहीं आता, उसको क्या करना चाहिए? जिसको ज्ञानदारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या करे? तो ऐसे मनीषी को गुरु की शरण में रहकर गुरुओं के आचरण को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए और गुरु के चरण कमलों के द्वारा आदेश लेकर उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। बस इसी से वेद पाठ हो जाता है, बस इसी से पुराण पाठ हो जाता है, बस इसी से आपका विष्णु सहित नाम पाठ हो जाता है, क्योंकि गुरु ही संसार में सबसे उत्तम वस्तु है जो शिष्य को अपने जैसा बनाता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु सब जानता है। गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, गुरु से कुछ भेद नहीं रखना चाहिए, और गुरु के साथ छल कपट या चोरी का भाव नहीं बनाना चाहिए। यही संसार में उत्तम व्रत है और इस उत्तम व्रत से गुरु के चरणों का अनुरागी होकर जीवन यापन करना चाहिए। गुरु ही संसार से तारने वाले हुआ करते हैं, गुरु ही वो रास्ता है संसार से पार लगाने का, जिस पे चलकर हम लोग अपना जीवन संभाल सकते हैं। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी महामंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, उन सबों ने गुरु की सेवा की है। सेवा करे सो सब फल होवे, सेवा करने से सब फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्तगणों एक बार कहेंगे हर 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 हरे, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। और यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आगे का कार्यक्रम हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई? श्री कपूर साहब तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आइए कपूर साहब, हमारे जो महासचिव है इससे हमारे आश्रम के ट्रस्ट के, तो श्री अजय कुमार कपूर साहब। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात्कार। आप सबके विद्वान लोग बैठे हैं, इसके बीच में बोलने का अधिकार तो नहीं है मेरे को, बट ये रिक्वेस्ट करी तो मैं तुम लफ्ज बोलूँगा। आप सब महाराज जी को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से महाराज जी के निकट रहे हैं, नज़दीक रहे हैं। मैंने तो बचपन से अपने घर में आते देखा है, उनको रहते देखा है हमारे साथ में 8-8, 10-10 दिन, और 10-10, 15-15 महात्मा, इतने ज्ञानी, इतना प्रवचन करा, इतनी पुस्तकें लिखी महाराज जी ने, पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान उन्होंने बांटा है, प्रवचन करे हैं, ये सब जानते हैं। मैं उनकी सरलता के बारे में दो लफ्ज बोलूँगा कि ऐसे सरल संत आज की दुनिया में जो है वो नहीं मिलते। मतलब इस प्रकार के संत के दोपहर को 2 बजे मैं घर पे विश्राम करो और घर पे कोई नहीं है और घंटी बजती है और महाराज जी आ जाते हैं।
बिना बताए। यदि मैं रोहतक से ऋषिकेश जा रहे थे हम लोग, तो हमने सोचा आधा घंटा विश्राम करके चले जाते, मतलब इतनी सरलता ऐसी महात्मा में, इतने विद्वान महात्मा में ऐसी सरलता होनी, यही कारण है कि हम लोग आज सब यहाँ पे बैठे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। कैलाश आश्रम का इतना विस्तार जो उन्होंने करा, हमारी तीसरी पीढ़ी है, मेरे दादाजी से शुरू होकर तीसरी पीढ़ी में हूँ, और मैं चाहता हूँ बच्चे भी मेरे अटैच रहे कैलाश आश्रम से, तो सब मतलब फॉलो कर रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। तो इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका आभार प्रकट करता हूँ यहाँ आने के लिए, और आगे प्रशासन कैलाश विद्यातीर्थ के जो महासचिव हैं, आपने सुना उनके विचार कि हमारे ट्रस्टी लोग जो हैं ये कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, एक दो पीढ़ी नहीं, तीन तीन चार चार पीढ़ियों से, कई लोग तो आठ आठ दस दस पीढ़ियों से, क्योंकि इसकी स्थापना जो करने वाले थे प्रथम पीठाधीश्वर स्वामी धनराज गिरी जी महाराज, वो इसी क्षेत्र से आते थे, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र के लोग कम से कम 100-150 साल से जुड़े हुए हैं लोग। अब मैं आहूत करूँगा, आमंत्रित करूँगा, हमारे एक ट्रस्टी हैं, ये भी बहुत पुराने हैं और मेरे से 7-8 साल श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, वही हरीश मल्होत्रा जी हैं, आप सुनिए हरीश जी को, अपने विचार ये भी रखेंगे। महाराज की जय। अभी प्राशद जी से जो बात सुनी निर्वाण दिवस के बारे में उन्होंने बताया, महाराज जी ने पहले ही हम लोग को बता दिया था कि उनका निर्वाण दिवस के बारे में, और जिस दिन ऐसा हुआ मैं उस दिन ऋषिकेश में ही था, और इन हाथों से ही हमने महाराज जी के पार्थिव शरीर को, उसको नहलाना, उसको घी से दही से जैसे भगवान शिव की पूजन होता है ऐसे करके, शोभा यात्रा में जाना और जल प्रवाह, ये सब मैंने अपने हाथों से महाराज जी का बनवा लिया। मेरे पास पूरा वीडियो उसका है घर के अंदर में, टोटल उस फंक्शन का, जैसे आप बता रहे थे आपको मैंने देखा, तो अभी मैं बात शुरू की निर्माण की तो मेरे मन में आ गया, और जहाँ तक कि कपूर साहब बता रहे शादी के सवाल, मैं ही लेके आ रहा था रोहतक से महाराज जी को, जहाँ हम लोग एंटर करने लगे दिल्ली में, कहते हैं मैं खुद गाड़ी चला रहा था और कपूर साहब के घर पर चलते, मैं महाराज जी दोपहर का टाइम सो रहे होंगे, जो होगा देखा जाएगा, चलिए इतने सिंपल। और जहाँ उनके मन में कोई बात आनी, हम सबको पहले उठा के, चाहे वो चांदा साहब हों या कबूर साहब हों या हमारे आज इतने उपस्थित थे, हम जब बैठते थे उनको बताना, सरलता की बात देखिए कि, और मन की बात जैसे कह रहे थे अभी पता कर लेते थे, क्या कहते हैं गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, बात राजगीर की है, आश्रम का उसका उद्घाटन हुआ था, हम सब ट्रस्टी वहीं पर थे, महाराज जी के सामने बैठे हुए तुली साहब थे, कपूर साहब थे और मैं, तीनों बैठे हुए थे, कहते आप लोग तीनों बैठ के कुछ बात आपस में कर रहे हो, कुछ छुपा दे मेरे से, तो हमने बोला कि महाराज जी हम यहाँ पर आए हैं, हमारा मन था कि गुरु माँ के दर्शन कर लें, क्योंकि महाराज जी जिस स्थान को छोड़ दिया उस स्थान पर जाने को तैयार नहीं थे, तपस्थली नहीं जाना है, जहाँ उनकी धर्मपत्नी रानी है वहाँ नहीं जाना है, हमें पता था कि साथ में कोई गांव है जहाँ महाराज की धर्मपत्नी रहती है, हम वो मन की बात बताने में संकोच कर रहे थे, मन को पढ़ लिया, कहने का अच्छा ऐसा करना थोड़ी देर में आ जाना, हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे बाहर, तो मेरे को भी बुला के बोलते हैं कि आप यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर में बताते हैं, इतनी देर में एक देवी आई, उन्होंने उनके चरण छुए, जल चढ़ाया, जल को रख लिया, तो उनसे पूछते हैं पहले वाला जल खत्म हो गया था, वो स्त्री कभी भी खाना नहीं खाएंगी जब तक महाराज जी के चरणों का जल का पान ना कर लें, उनकी धर्मपत्नी थी वो, कि तब तुम कहाँ जा रहे हो, मैं वहाँ से बातचीत करनी होगी आपसे कुछ, यही तो है जिनके दर्शन करने के लिए आप बात करें, बुलाइए कपूर साहब को, तुली साहब को दर्शन कर रहे हो, मन की भावना को गुरु से छुपाने का जब बात कर रहे हैं, मन को पढ़ना, महाराज जी इतने थे हम लोग के साथ जुड़े हुए कि कभी भी कुछ छुपाने की बात ही नहीं होती, चाहे जितने भी पुराने लोग बैठे हुए हैं
एक नहीं हजारों याददाश्त उनकी ऐसी हैं, अगर हम लिखने बैठे तो हर एक आदमी वन टू वन के बारे में किताब लिख सकता है। मैं समय नहीं है, यही अपनी वाणी को निमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। इष्ट मित्र हरीश मल्होत्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा कार्यक्रम इससे आगे बढ़े, थोड़ा सा और कार्यक्रम रह गया है आरती में 5-7 मिनट का। एक तो हांडा जी आप भी अपना कुछ कहना चाहेंगे तो आप बता लें, फिर जयरथ जी हैं, पहले जयरथ जी को, जयरथ जी के पास कुछ मैसेज आया है भट्ट साहब का, तो महाराज जी के बहुत पहले वरिष्ठ भक्तों में हैं, तो उनका कुछ मैसेज आया है भट्ट साहब का, वो ये पढ़ के सुनाएंगे जी। और मुझे मेरे भी व्हाट्सएप पर भट्ट साहब ने भेजा था, गौर साहब के लिए कहा था कि गौर साहब को जरूर बुलाइए, तो गौर साहब के बेटे तो है ही हैं। भट्ट साहब का मैसेज, भट्ट साहब का मैसेज, भट्ट साहब भी पढ़ दें, छोटे भट्ट साहब आत्मज पढ़ दें तो ठीक है। आइए आप भी पढ़ो। दीपक दिखाने के लायक है मेरे लिए, तो वो एक साक्षात भगवान शिव थे। मैं इस आश्रम से के बारे में ना कुछ जानता था ना मुझे मालूम था, मुझे किसी मेरे साथी ने ऑफिस में बैठे हुए बताया कैसे ऐसे करके एक आश्रम है कैलाश आश्रम, वहाँ हम हर साल जाते हैं। तो मेरे मुँह से वैसे ही निकला, मैं कह रहा हमें भी दर्शन करा दो। उसने कहा महाराज जी आज दिल्ली में आए हुए, मैं शाम को आया महाराज जी को मत्था टेका और बड़ी हिम्मत करके मैंने महाराज जी से विनती की कि महाराज जी अगर आज दीक्षा मिल जाए तो मेरे पे ऐसी कृपा हुई। महाराज जी ने तुरंत कहा कि परसों अक्षय तृतीया है, आ जाना दीक्षा मिल जाए। मैंने बड़े, आप सब लोग तो यहाँ बहुत सारे भक्त लोग हैं जो 4-4, 5-5 पीढ़ियों से इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, मैंने तो छोटे से टाइम में साक्षात भगवान शिव को उनमें देखा है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए। और मुझे दीक्षा दिलाने वालों में भट्ट साहब का बड़ा सहयोग था, क्योंकि भट्ट साहब उस वक्त महाराज की सेवा में थे। धन्यवाद। अभी जयरथ साहब को आप सुन रहे थे, ये ट्रस्टी हैं और ये बैंकर हैं, और महाराज से कितना कितनी शीघ्रता से जुड़ी और कितनी शीघ्रता से हो गए महाराज जी के, और मिलाने वाले इनके पिता श्री हैं माखनलाल भट्ट साहब, तो वो यहाँ पर महाराज जी से बहुत दिनों तक जुड़ रहे, पता नहीं कितनी यात्राओं में उनके साथ गए। और उनके आत्मज हैं प्रोफेसर अजीश भट्ट साहब, तो ये IIT के प्रोफेसर हैं, उनके कुछ लिख के भेजा हुआ है भट्ट साहब ने, तो ये अपने विचार भी रखेंगे और अपने पिताश्री के विचार भी रखेंगे। आइए। नमो नारायण। मेरे पिताश्री श्री मखनलाल जी भट्ट कैलाश आश्रम से संबंधित काफ़ी 40-45 वर्ष से हम उनके साथ, हम छोटे बालक थे और महाराज जी के साथ बहुत ही स्नेह और प्रेम के साथ हम जब मिलते थे तो हम उनके अंदर अपने पिता स्वरूप को ही देखते थे। मुझे याद है कि 2005 में महाराज जी ने इसी आश्रम में अपने जितने भी ऑडियो कैसेट्स थे वो मुझे अपने हाथ से दिए और उनको बोला कि इनको कंप्यूटर में डालने के लिए मुझे बोला था, तो उसमें जब मैंने सुना उनकी जो ऑडियो कैसेट्स थे तो उसमें कहीं कहीं पे कुछ आवाज़ साउंड के कुछ इश्यूज़ थे। तो फिर महाराज जी के साथ मैं एक दिन जम्मू आश्रम में गया, तो जम्मू आश्रम में मुझे याद है कि रात के 12-12, 1-1 बजे तक महाराज जी के साथ बैठ के मैं लैपटॉप में जहाँ जहाँ उसमें साउंड के इश्यूज़ थे वो महाराज जी को मैंने फिर दोबारा कहा कि वो दोबारा बोलें, और महाराज जी ने जब अपने वचन दोबारा बोले तो मेरे साथ पूरा सहयोग दिया उन्होंने, तो वो मैंने उसके अंदर फिर कंप्यूटर में जब डाला, और डालने के बाद जब उसकी CD बना के मैंने उनको बोला कि भैया मैंने कार्य पूरा हो गया, संपन्न हो गया है, तो जम्मू आश्रम में ही वो CD जो है जो हमने श्रीमद शंकर भाष्यपरायण जी का जो हमने किया था उनका, वो सबको उन्होंने सबको दिया, एक एक कॉपी दी उन्होंने। उसके बाद 2006 में महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे
दूसरा पुत्र की जो प्राप्ति हुई उनका नाम महाराज जी ने अपने खुद ही हेमान भट्ट रखा। और 2006 के बाद महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ था, और उस अस्वस्थ स्वास्थ्य में भी जब भी मैं कभी महाराज जी से यहाँ मिलने आता था तो वो ये मेरे से पूछते थे कि हेमांग भी आया है, तो वो हेमांग के बारे में हमेशा मेरे से कहते थे। हालांकि हेमांग उस वक्त कुछ माह का ही था। तो अभी उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं उत्तराखंड में हल्द्वानी में वहीं पे ही उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया है, और वहीं पे वो अपने अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे अपना अध्ययन जो है अपना कैलाश आश्रम से संबंधित अध्ययन कंप्यूटर पे व्यस्त होते हैं। तो अभी आज का जो संदेश उन्होंने भेजा है मैं वो आपको इसमें एक लॉक हो गया इस उनकी ओर से उपरोक्त श्रद्धांजलि मेरी ओर से पढ़कर संगत में सुनाना। और मेरा सुझाव है कि आगे ये महोत्सव पंच दिवसीय जन्म दिवस से निर्वाण दिवस तक होना चाहिए, ये उनका प्रस्ताव है। तो आज जो उन्होंने संदेश लिखा है वो मैं आपके सामने बोलता हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2064 तदनुसार 13 दिसंबर 2007 को 86 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन हुए। आपका कहना था कि सन्यासियों के लिए केवल निर्वाण तिथि ही महत्वपूर्ण होती है। आपके जीवन काल में सभी कैलाश आश्रमों में प्रतिवर्ष आपका जन्मोत्सव, सन्यास दिवस, पटाभिषेक दिवस आदि बड़े धूमधाम से मनाते थे। एक बार जब दिल्ली स्थित कैलाश विद्यातीर्थ आदि शंकराचार्य स्मारक में आपका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो आपने प्रवचनों के दौरान एक बहुत ही रहस्यमय संकेत दिया कि आगे उनकी जन्म एवं निर्वाण तिथि एक ही होगी। सन 2007 में आपका जन्मदिन यानी मार्गशीर्ष अमावस्या 9 दिसंबर को पड़ता था और आपको कुछ ही दिन पहले गंगाराम अस्पताल दिल्ली में अस्वस्थ हालत में आधुनिक चिकित्सक यंत्रों से युक्त एम्बुलेंस द्वारा डॉक्टरों की देखरेख में ऋषिकेश आश्रम में लाया गया था। यहां पर भी आपको वेंटिलेटर पर ही रखा गया था। दिन भर जन्मोत्सव का कार्यक्रम चलता रहा। जब सायंकाल की आरती की घंटियां मंदिर से बजने लगी और आप आश्रमवासी संत महात्मा विद्यार्थी ब्रह्मचारी एवं भक्तजन मंदिर में आरती के लिए एकत्रित हुए तो उनके कक्ष में केवल डॉक्टर दीक्षित और मैं उपस्थित थे। डॉक्टर दीक्षित की दृष्टि वेंटिलेटर पर जमी हुई थी और उनकी मुख आकृति गंभीर तथा चिंताजनक हो रही थी। यद्यपि यह स्थिति क्षण भर ही रही जब मैंने डॉक्टर दीक्षित से स्पष्टीकरण चाहा तो उन्होंने कहा कि यह वेंटिलेटर पर जो स्पंदन देखते हो थम गया था। यह सुनकर मुझे सदगुरु महाराज जी की उपरोक्त भविष्यवाणी की याद आई और डॉक्टर दीक्षित से चर्चा भी की। उसी रात्रि महाराज जी को ऋषिकेश से देहरादून जॉली ग्रांट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जो ही मुझे पता चला मैं भी देहरादून अस्पताल पहुंचा और बहुत ही हतोत्साहित रात्रि में ही ऋषिकेश लौटा। दो दिन बाद जब मैं 12 दिसंबर 2007 रात्रि को दिल्ली पहुंचा तो प्रातः 13 तारीख को मुझे महाराज जी के सेवक स्वामी सुरेशानंद जी से ही अत्यंत दुखद समाचार मिला। वस्तुतः आप अपने ही सत्य वचन के अनुसार अपने जन्मदिन को यानी 9 तारीख को ही मार्गशीर्ष अमावस्या निर्वाण पद ऋषिकेश आश्रम अपने ही पीठास्थान वायु भवन में प्राप्त कर चुके थे। अस्पताल में केवल आपका पार्थिव शरीर मात्र ही था। उनका निमन मंगलवाद सदैव हम भक्तों के लिए फलदायक होवे। स्वस्थ अस्तु ते कुशलम अस्तु चिरायु अस्तु ऐश्वर्यम अस्तु धन धान्य समर्थ अस्तु सनित्य अस्तु बलम अस्तु रिपु क्षयो अस्तु वंशे सदैव भवन्ताम भव भक्तिर अस्तु। ओम नमो नारायण।
प्रोफेसर राजेश भट्ट साहब, आपने अपने पिताश्री के विचार सुनाए हम सबको, और अब मैं मेरे मित्र हैं बहुत दिनों से, ये हम मैं जब जुड़ा हूँ कैलाश आश्रम से, उससे पहले से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। भाई ये शिव स्वरूप हांडा साहब है, तीन कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। अरे प्रभु, सब गुरु भाई कहने बैठे हैं, मैं आज बैठ के विनती करता हूँ कि महाराज जी को आप महाराज जी कहते हैं, मैंने आज तक कोई महाराज जी को महाराज जी नहीं कहा, मैंने महादेव ही कहा है। मेरे से कई घटना ऐसे में अपनी आप बीती हैं, अगर मैं आज बैठ सुनाऊं तो शाम पड़ सकती है, लेकिन मैं इस समय समय ना होने कारण सिर्फ इतना कहूंगा कि महाराज जी का महाराष्ट्र में कलंदी कुंज में भगवत पाठ गीता का पाठ चल रहा था, उसमें महाराज जी ने एक दो शब्द सुनाए थे, मैं सब बहन भाइयों को वो जरूर सुनाना चाहता हूँ। महाराज जी ने उस वक्त प्रवचन में बोला था कि एक गन्ना बनो, गन्ना गन्ना जिसकी हाइट लंबाई 8-10 फुट होती है, चौड़ाई गुलाई 2-3 इंच होती है, लेकिन वो सख्त कितना होता है, ये ध्यान करो कि उसको सख्त कितना है, टाइट कितना है, लेकिन उसके जो गुण हैं वो सब भक्तों में होने चाहिए। गुण क्या महाराज जी ने गिनाए थे कि गन्ने को जितना आप छीलोगे, गंडेरी बनाओगे वो मीठी बनेगी, चूसोगे वो मीठी बनेगी, फिर उसको आप कोलू में पेल दो तो उसका रस भी मीठा निकलेगा, उसको फिर भट्टी में पकाया जाएगा फिर उसका गुड़ बनेगा, गुड़ भी मीठा है, गुड़ के बाद वो मिल में जाएगा, चीनी बनेगी, चीनी भी मीठी बनेगी, फिर चीनी जिस पदार्थ में जाएगी वो पदार्थ में मीठा ही बनेगा। तो इसलिए सब गुरु भाइयों को बहनों को मैं यही अरदास करता हूँ कि एक दफा महीने में 15 दिन में, महीने में 2 महीने में गुरु स्थान पे आके दर्शन जरूर करो, यही जो है मेरा कहने का भाव है। ज्यादा मैं कुछ ना बोलता, यही सबसे हाथ जोड़ के अरदास करूंगा कि इस आश्रम में 15 दिन महीने में जरूर एक दफा दर्शन करने आओ। जय हो, बोला सतगुरुदेव महाराज की जय। आप सबके विचार और इनके अनुभव, ये विचार कोई किताब पढ़ के नहीं बता रहे थे, सब अपने जीवन का अनुभव कि किस तरह से महाराज जी रिलेट करते थे अपने को भक्तों के साथ और कैसे जुड़े हुए थे, आप सुन रहे थे। अभी हम डॉक्टर गौर साहब को आहूत करेंगे, वो अपने विचार रखेंगे, उसके बाद आरती और भोग का कार्यक्रम होगा, सब लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे याद है महाराज श्री अपने जीवन काल में जब कभी भी यहाँ आते थे 1995 से लेके 96 से और 2007 तक, ये काल कोई 10-12 साल का था, जब यहाँ आते थे तो कैलाश विद्या तीर्थ नहीं कहते थे, कहते थे कि आप दिल्ली वासियों के लिए ये कल्प तरु है, ये कल्प वृक्ष बना है। तो ये कल्प तरु और कल्प वृक्ष ये कहते थे कि मेरे जाने से सुख नहीं जाएगा, कल्प तरु तो हमेशा रहता है हरा, और जो कोई जो कुछ मांगता है वो सब कुछ देता है। तो इसलिए जो निवेदन किया है हांडा साहब ने, इस सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन यहाँ आओ तो देखो तो कि कल्प तरु से क्या क्या मांगना चाहते हो, मांग के ले जाओ ना, यदि स्वार्थ बस ही जान। मैं बड़ा विरोधी हूँ, मैं सनातनी हूँ ना, इसलिए सनातन से अलग कोई भी रास्ता निकलता है बाहर तो मैं उसका विरोधी हूँ, मैं साईं भक्तों का पक्का विरोधी हूँ।
साई हो चाहे माई हो, मेरे को साई माई, मैं चाई माई वाला नहीं हूँ। गौर साहब कहते हैं क्या चाई माई लगा रखा है, वो चाई माई और साई माई वाले नहीं। ये कल्पतरु है, यहाँ क्या कमी हो गया कि साई के यहाँ भाग के जाते हो। ये महाराज जी कहते थे कि ये कल्पतरु हमने लगाया है दिल्ली के भक्तों के लिए, जो चाहिए आके मांग लो, मत्था टेकने से मिल जाएगा। तो मैं गौर साहब आपके पास माइक पहुंचा दूंगा या आप आ जाएंगे? पहुंचा दूंगा, क्योंकि गौर साहब की आयु भी 86 से ज्यादा है, 86 से ज्यादा वालों से तो डरते हैं ना हम। आजकल तो कोई ज्यादा उम्र वालों से नहीं डरता है, लेकिन हम लोग तो उस काल के हैं ना कि अपने से बड़ों से डरते थे। आइए, डॉक्टर विशाल लाल गौर साहब प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, पहले चित्रकूट के, बांदा के महाविद्यालय के। मैं आपसे दिल की बात बताता हूँ, आज यहाँ आकर मैं धन्य हो गया हूँ। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ है? हुआ इसलिए है, मैं नाम अगर सच्चे सुनकर याद रख सका हूँ, ये चानना जी हैं सामने, इन्होंने जो कुछ रिकॉर्ड किया हुआ यहाँ सुनाया गुरु जी की वाणी में, वो अद्भुत था। मैं आपसे कहता हूँ, मैं संस्कृत विद्या का आचार्य हूँ, मैं उनकी एक एक ध्वनि तरंग पकड़ रहा था। ऐसा महानाद मैंने अपने जीवन में दूसरी बार सुना है। एक बार मैंने राधा कृष्णन को सुना था, पढ़ने में ये महानाद मैंने विवेकानंद की वाणी में शिकागो भाषण में पढ़ा। आपसे बताता हूँ, मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ, देखिए एक कतार इधर है, ये महात्मा लोग हैं, एक कतार इधर है जिसके हम सदस्य हैं, हम गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थ के माने हैं घर में फंसा हुआ आदमी, इसके माने ये हैं हम बंधनों में जीते हैं, हम तामड़ तोड़ जिंदगी जीते हैं, होश नहीं होता है। आप लोग सबके हो जाते हैं, हम कुछ के ही रह जाते हैं, ये सभी जानते हैं, सिकुड़े रहते हैं। तो इसलिए मुझ जैसा बंदी जन आदमी आपके सामने लंबी चौड़ी बात कुछ नहीं करना चाहता है। हम महाराज श्री के ब्रह्म लीन हो चुके हैं, वो उनकी वाणी हमको सुनने को मिली। ये सत्यदेव जी ने कहा था कि यथेच्छसि तथा कुरु, तो जितनी समझ में हमारी आई है, हमारी कोशिश होगी कि हम महाराज जी के संदेश को पालन कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। आप सबको प्रणाम। उसके बाद भोग होगा और उसका सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबकी ओर से महाराज श्री के चरणों में। महाराज श्री तो सर्वव्यापी हो गए ना जी, ब्रह्मलीन होने के बाद ब्रह्म की सत्ता।